सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, मेरे सर भी हैं जैसे इकबाल सर हैं, उनसे भी पढ़े हैं, चौबे सर, रामजन सर मेरे भी गुरु रहे हैं, और मैं अभी इस स्टेज पर खड़ा हूँ। वास्तविकता ये है कि मैं भी अभी विद्यार्थी ही हूँ आप सभी के समक्ष, आपसे सीनियर होने के नाते आपको मेरा एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूँ। हालाँकि मेरे गुरुओं के सामने तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, इनके सामने मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने एग्ज़ाम जो दिया है उससे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपका पहला एग्ज़ाम होगा, इससे पहले अभी आप कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं दिए हैं बोर्ड लेवल का या फिर किसी तरह का, तो पहला एग्ज़ाम है, इसमें बहुत लोगों का ये होता है मन में कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, किस प्रकार से एग्ज़ाम, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से करना है, बहुत लोगों के मन में ये होता है, तो संशय होता है, संशय को हटा देना है, संशय ऐसा कुछ नहीं रखना है कि दिक्कत हो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को भी दिक्कत नहीं हो, जो आप पढ़े हैं बस नॉर्मली जैसे आप टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, जैसे टेस्ट में आंसर देते हैं उसी प्रकार से आपको वहाँ भी आंसर देते जाना है। ठीक है, शुरू में अब पहले दिन जाएंगे तो वहाँ सभी चीज़ समझ में आ जाएगा, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, ठीक है, किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट, कैसे बैठना है, तो ये सारे चीज़ आपको समझ में वहाँ आ जाएगा पहले दिन से, फिर आप दूसरे दिन से फिर कंटिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर वो तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको ऊर्जावान रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा, सेहत पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, कई बार होता है कि विद्यार्थी पढ़ते हैं थोड़ा सा माइंड दे देते हैं और पढ़ने के क्रम में कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, तो इन सभी बातों से थोड़ा सा अलग रहना है। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी, आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो आपका सेहत पर भी ध्यान रखना है, और आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हमने जो पढ़ा है वह मेरा पढ़ा हुआ सही है और उतना ही है। ये नहीं कि ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या क्या नहीं आएगा, इन सभी बातों पे ध्यान नहीं है। जो चीज़ हम पढ़े हैं, जैसे सर ने भी बताया, जिन चीज़ों के बारे में पढ़ाई हुई है आपका कोचिंग में, उन्हीं के बारे में आप रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज करते रहने से ठीक है आपका और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट। जैसे मैं मान लीजिए कि नहीं, एक बार में तो कोई चीज़ याद नहीं होता है किसी को भी, एक बार में कोई याद नहीं होगा, जितनी बार रिवाइज करेंगे आप उतना बार आपके लिए सही होगा। ठीक है, जितना बार रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करते करते आपको स्वतः याद हो जाता है। अगर एक बार पहले पढ़े होंगे, एक बार फिर से अगर देखते चले जाएंगे तो आपका स्वतः याद होते जाता है। ठीक है, फिर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी ये होता है कि भूलने की आदत होती है, ठीक है ना, भूलने की आदत होती है, तो भूलने की आदत होगी बस जो चीज़ भूल रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फिर रिवाइज करते चले जाएँ, ये काम हो सकता है। और इसके अलावा अगर कहा जाए कि पढ़ाई के बारे में कि सर अभी मान लीजिए जैसे कि अभी आप लोग पास 15 दिन का समय है तो उसमें कैसे पढ़ाई करें, ठीक है ना, अभी जैसे 15 दिन का समय जो भी है उसमें किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लाए जाए, तो उसमें बहुत लोग सोचते हैं कि सर हम 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, 8-10 घंटा पढ़ के अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप समय को उस प्रकार से मत देखिए, समय को नहीं देखना है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आप एक सुबह उठकर आप एक एम तैयार करिए कि हमें आज इस एम को पूरा करना है, एम मतलब उस लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, मुझे आज इस चैप्टर में इतने चैप्टर तक हमें पूरा रिवाइज कर जाना है, सिर्फ रिवाइज ही करना है और कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। तो आप एक एम रखिए, रोज सुबह एक लक्ष्य रखिए कि हमें आज सुबह उठ करके आज दिन भर में या रात भर में या जितना भी टाइम लग गया है इतने चैप्टर को या फिर इतने सारे टॉपिक्स को हमें क्लियर कर देना है, रिवाइज कर देना है, और उस एम को पूरा कर लीजिए आप। ठीक है ना, चाहे जितना भी समय लगे, 8 घंटा लगे, 10 घंटा, तो समय को नहीं, अगर समय देखते हैं तो होता है कि अच्छा अच्छा 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा, 1.5 घंटा होगा तो आप घड़ी देखिएगा कि अब तो 2 घंटा होने वाला है, अब उठने वाले हैं, तो उस समय पढ़ाई समय को देखते हुए नहीं किया जा सकता। अगर आप समय के अनुरूप पढ़ाई करते हैं तो आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप लक्ष्य के अनुरूप पढ़ाई करते हैं, मुझे यह लक्ष्य पूरा करना है चाहे जितना समय लगे, ठीक है, तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और कोई भी लक्ष्य, कहा भी जाता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है ना, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है, और हारा तो वो है जो लड़ा नहीं। ठीक है ना, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है और हारा वो है जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक प्रकार का यह
आपका वार ही है, लड़ाई ही है, जिस प्रकार से आप लड़ते हैं खुद से, खुद पे कितना मेहनत करते हैं आप, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने अच्छा मेहनत किया है, अच्छा से पढ़ाई किया है, उनका रिजल्ट जरूर ही अच्छा हो, ठीक है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट ही सब कुछ है, ठीक है ना। ज्ञान, नॉलेज, ठीक है ना, नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट ज्ञान जो है आपका जो मार्क्स जो है, ठीक है ना, बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए आपका जो मार्क्स है, जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब कितने मेहनत कर रहे हैं हमें पता है कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं, और लोगों को कैसे पता होगा, है कि नहीं, और लोगों को कैसे पता होगा कि आपने कितना मेहनत किया है। तो इसके लिए आपको जो रिजल्ट आता है उसमें आपका परिणाम लिखा रहता है कि आपने किस प्रकार से कितना मेहनत किया और कितना मार्क्स हासिल किया। तो आपका कहा जाए तो अभी करीब 10 सालों की मेहनत, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th क्लास का है ना, सिर्फ 10th क्लास का मेहनत आपका नहीं है, अभी से देखा जाए तो जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पहला एग्जाम आपका जो है उन सभी का रिजल्ट आपको आने वाला है, ठीक है ना। तो आप उस प्रकार से दिमाग रखिएगा कि मेरा जो 10 सालों का मेहनत है वह उसका जो है प्रूफ आने वाला है कि मैंने कितना मेहनत किया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 10-15 दिन आप लोग मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि इतना इतना क्या करना है, पढ़ते रहना है, इतना टॉपिक एक दिन में क्लियर कर लेना है, इस प्रकार से पढ़ाई करिए, उस प्रकार से याद करिए, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सर ने बताया है, ठीक है ना, जितना पढ़े हैं उतना काफ़ी है। और इस बार अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है कि आप लोगों को डबल नंबर, डबल क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उसमें हाफ ही आपको आंसर करना है, ऑब्जेक्टिव भी डबल है, सब्जेक्टिव भी डबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप लोगों के साथ फायदा तो कुछ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा दुख भी है कि जो नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जितना अभी से पढ़े हैं उस पर रिवाइज करके दीजिए और अच्छे नंबर लाइए, यही मेरा कामना है आप लोगों से, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद।